खबरनामा के प्रायोजक हैं मयूर होटल एंड रिसोर्ट रस्योरा सीतापुर, स्टडीवेल पब्लिक स्कूल सीतापुर, सह प्रायोजक सहगल साड़ी भंडार, मेन मार्केट गांधीनगर लालबाग सीतापुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। सीतापुर की सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। सीएम योगी ने कहा कि ट्रैक टेस्ट टीट और टीकाकरण की नीति से यूपी में कोविड पर हुआ प्रभावी नियंत्रण। चंदौली में पीड़ित परिवार से मिले सपा मुखिया अखिलेश ने कहा पीड़ित परिवार व बच्चों को दिलाएंगे न्याय। सीतापुर के अटरिया कस्बे में महाराणा प्रताप की जयंती समारोह में यूपी के परिवहन मंत्री ने की भागीदारी। सीतापुर पहुंचे परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कराई आंखों की जाँच, महाराणा प्रताप प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। मंगलवार को दो दिवसीय दौरे पर सीतापुर पहुंचेंगे वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना। सीतापुर में स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने निजी अस्पतालों का किया निरीक्षण, कमियां मिलने पर की कार्रवाई। विद्यालय परिवहन यान सुरक्षा समिति की बैठक से गैर हाजिर प्रबंधक प्रधानाचार्यों को कारण बताओ नोटिस। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने रेउसा सीएससी का किया निरीक्षण, गैर हाजिर स्वास्थ्य कर्मियों से जवाब तलब। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 305 नए मरीज मिले हैं, जबकि 771 मरीज कोरोना मुक्त भी हुए हैं। अब सक्रिय मरीजों की संख्या 1567 हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 की बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिन जिलों में केस अधिक मिल रहे हैं वहां सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क लगाना अनिवार्य करते हुए इसका प्रभावी अनुपालन कराया जाए। सीएम ने कहा है कि ट्रैक टेस्ट टीट और टीकाकरण की नीति के सफल क्रियान्वयन से उत्तर प्रदेश में कोविड पर प्रभावी नियंत्रण बना हुआ है। यूपी के जनपद चंदौली के मनराजपुर गांव में पुलिस दबिश के दौरान युवती की मौत के बाद सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है। सपा मुखिया अखिलेश यादव सोमवार को पीड़ित परिवार से मिले और मृतका निशा के पिता कन्हैया यादव को सांत्वना दी। मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हम पीड़ित परिवार और बच्ची को न्याय दिलाएंगे, सरकारी जांच पर भरोसा नहीं है, पुलिस के खिलाफ आरोप है और पुलिस के द्वारा ही मामले की जांच कराना सही नहीं है। उन्होंने हाईकोर्ट के जज की देखरेख में जांच की मांग की। अखिलेश ने पुलिस प्रशासन और सरकार पर जमकर हमला भी बोला, कहा कि जो सरकार पुलिस को चुनाव जिताने में लगा दे उस सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हैं। दरोगा बनने की हसरत में पुलिस भर्ती के दौरान कामयाबी पाने को अपनाए गए तरीके ने कई अभ्यर्थियों को अपराधी बना दिया। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की जांच में इन मुन्ना भाइयों की करतूत
खुलकर सामने आ गई। इसके बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस भर्ती में नकल करके दरोगा बनने का ख्वाब देखने वाले 18 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल असफल अभ्यर्थियों ने जांच की मांग करते हुए धरना प्रदर्शन तथा आंदोलन किया। भर्ती बोर्ड ने आरोपों की जांच कराई तो गंभीर अनियमितताएं मिली, लिहाजा कार्रवाई करते हुए 18 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। सीतापुर के अटरिया स्थित साकेत उत्सव मैरिज लॉन में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 482वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। यहां प्रताप गौरव सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में नौरस आला टीम द्वारा आला का गायन किया गया। मुख्य अतिथि परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह व विशिष्ट अतिथि विधायक मनीष रावत, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री लालजी प्रसाद निर्मल, बहराइच विधायक सुरेश्वर सिंह ने महाराणा प्रताप के चित्र पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर आयोजक सुरेश सिंह, MLC पवन सिंह चौहान, पूर्व MLC राकेश सिंह, राघवेंद्र सिंह, भूपेंद्र सिंह, रोहित सिंह, अभिषेक शुक्ला, प्रतीक सिंह, पंकज सिंह, सत्येंद्र पाल सिंह, प्रतीक सिंह आदि मौजूद थे। योगी सरकार के परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह ने सोमवार को शहर के महाराणा प्रताप पार्क पहुंचकर महाराणा प्रताप और भामाशाह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान उनके त्याग, बलिदान, देश प्रेम और वीरता पर चर्चा की। इस अवसर पर धीरेन्द्र सिंह चौहान, TP सिंह, जया सिंह, अनिल सिंह पाताबोच, दीपेंद्र भदौरिया, अमरेंद्र सिंह, ऋषभ शुक्ला, अनिल सिंह, प्रणीत सिंह, मनोज तिवारी, अंशुल सिंह, दीपक सिंह, अतुल सिंह, मनोज सिंह चौहान, आदित्य सिंह, विकास सिंह गौर, भानु सिंह, मन्नू सिंह, मोहित सिंह, वीरेंद्र सिंह, अविनाश सिंह, अभय प्रताप सिंह, सतीश सिंह, नीलू सिंह, श्यामपाल सिंह, पंकज सिंह, संदीप शुक्ला आदि मौजूद थे। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री व मंडल प्रभारी सुरेश खन्ना मंगलवार को 2 दिवसीय दौरे पर सीतापुर पहुंचेंगे। 10 जुलाई की शाम जिले में आगमन के बाद 7 बजे मंत्री सुरेश खन्ना सीतापुर के लोक निर्माण विभाग निरीक्षणगृह में जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद 11 मई की सुबह 7:30 बजे सफाई व्यवस्था परखेंगे। 8:30 बजे जिला अस्पताल तथा 9:30 बजे 2 गौशालाओं, पंचायत भवन का निरीक्षण करेंगे। प्रशासन के साथ बैठक कर सरकार की योजनाओं की समीक्षा करेंगे। सीतापुर पहुंचे परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह ने खैराबाद टोल प्लाजा पर सामाजिक संस्था सहबाज ग्राम उद्योग समिति द्वारा आयोजित ट्रक ड्राइवरों के नेत्र परीक्षण शिविर में अपनी आंखों की जांच कराई। साथ ही परिवहन मंत्री द्वारा स्कॉट के सभी ड्राइवरों की आंखों की जाँच कराई गई। ARTO प्रशासन माला वाजपेयी ने उन्हें चश्मा भेंट किया। शिविर के समापन अवसर पर ARTO प्रवर्तन डॉक्टर उदित नारायण पांडे, ARM राकेश कुमार, संस्था सचिव अकील अंसारी, नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर पुनीत मिश्रा, संजय शर्मा, सैयद फैजान, मुजफ्फर ऑप्टिशियन, हरशंकर, कर्ण कुमार, अनिल कुमार आदि मौजूद थे। सीतापुर CMO डॉक्टर मधु गैरोला ने बताया कि अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नोडल अधिकारी डॉक्टर सुरेंद्र शाही तथा CSC अधीक्षक हरगांव द्वारा निजी अस्पतालों का निरीक्षण किया गया। नवयुग क्लिनिक दतेली रोड हरगांव में गुरुनाम सिंह BHMS द्वारा अपनी चिकित्सीय विधा के विपरीत एलोपैथ चिकित्सा पद्धति से मरीजों का इलाज किया जा रहा था। नोडल अधिकारी ने गुरुनाम सिंह को नोटिस निर्गत करते हुए क्लिनिक के संचालन को बंद करा दिया। लक्ष्य हॉस्पिटल लक्ष्मण नगर दतेली रोड हरगांव में बायोमेडिकल वेस्ट का निस्तारण नियमानुसार न पाए जाने पर प्रभारी को नोटिस निर्गत किया गया है। चेकिंग के दौरान सूर्या क्लिनिक पिपरझला रोड हैदपुर हरगांव प्रभारी के मौके से फरार होने पर क्लिनिक को बंद कराते हुए निकट संचालित मेडिकल स्टोर के प्रभारी को नोटिस प्राप्त करा दिया गया। निधि क्लिनिक परसेहड़ा माल में जावेद पुत्र कदीर तथा अरविंद पुत्र मातादीन द्वारा बिना किसी चिकित्सीय योग्यता के चिकित्सीय व्यवसाय किया जा रहा था। इस पर क्लिनिक को बंद करा दिया गया। इसके अलावा पुत्तीलाल अंगेठा चौराहा, परसेंडी सुशील मेवाराम नगर हरगांव, सर्वेश मेवाराम नगर हरगांव का स्थलीय निरीक्षण किया गया। सभी झोलाछाप चिकित्सक मौके से फरार हो गए। नोडल अधिकारी ने उक्त झोलाछाप चिकित्सकों की क्लिनिक पर नोटिस चस्पा करने की कार्रवाई की है।
वरिष्ठ कोषाधिकारी सीतापुर जानवी मोहन ने बताया कि प्रदेश के कोषागारों से पेंशन पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनर्स को स्मार्ट फोटो आईडी कार्ड की सुविधा दिया जाना प्रस्तावित है। प्रत्येक पेंशनर्स द्वारा कोषागार कार्यालय में आकर निर्धारित प्रारूप पर अपनी सूचना भरकर जमा किया जाना है। पेंशनर्स द्वारा अपनी स्वयं की एक एकल नवीनतम फोटो स्टाम्प साइज के प्रारूप पर संलग्न किया जाएगा। पेंशनर्स द्वारा प्रारूप कोषागार कार्यालय में उपलब्ध कराए जाने के उपरांत उक्त सूचना का सत्यापन कर प्रारूप कोषागार निदेशालय को उपलब्ध करा दिया जाएगा। कोषागार निदेशालय द्वारा स्मार्ट फोटो आईडी कार्ड उपलब्ध कराए जाने के उपरांत संबंधित पेंशनर्स को वितरित किया जाएगा। उन्होंने कोषागार सीतापुर से पेंशन प्राप्त करने वाले समस्त पेंशनर्स से अपेक्षा की है कि कोषागार कार्यालय में उपस्थित होकर निर्धारित प्रारूप निःशुल्क प्राप्त कर अपना विवरण भरकर संबंधित पेंशन पटल सहायक को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आई इंडिया। शहर के जीआईसी सभा कक्ष में विद्यालय परिवहन यान सुरक्षा समिति की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में विद्यालय प्रबंधकों प्रधानाचार्यों की गैर मौजूदगी को लेकर एआरटीओ प्रशासन माला वाजपेयी ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने बताया जिलाधिकारी अनुज सिंह के निर्देश पर आयोजित इस बैठक में विद्यालयों द्वारा बरती गई लापरवाही के बाद शिक्षा विभाग की ओर से गैर हाजिर रहने वाले विद्यालयों के प्रबंधकों व प्रधानाचार्यों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। एआरटीओ प्रशासन ने बताया कि जनपद में 280 स्कूली वाहन अनफिट हैं, जिनकी फिटनेस को लेकर लगातार विद्यालयों को निर्देश दिए जा रहे हैं। उन्होंने उपस्थित विद्यालयों के प्रबंधकों प्रधानाचार्यों को फिटनेस संबंधी गाइडलाइन की जानकारी दी। बैठक में डीआईओएस व बीएसए के प्रतिनिधि के रूप में खंड शिक्षा अधिकारी के अतिरिक्त जनपद के 19 विद्यालयों के प्रबंधक प्रधानाचार्य ही मौजूद थे। रेउसा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पी के सिंह ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल का एक्सरे, पैथोलॉजी लैब, प्राथमिक उपचार कक्ष, ओपीडी आदि का जायजा लिया। अस्पताल में प्रकाश, पेयजल व शौचालय की समस्या को लेकर उन्होंने आवश्यक निर्देश दिए। मेडिकल ऑफिसर नरेश चौधरी को ओपीडी रजिस्टर साफ सुथरा लिखने के निर्देश दिए। वार्ड आया मीनाक्षी सिंह अनुपस्थित मिली। डॉक्टर नुजहत आरा मेडिकल लीव पर थी। आरबीएसके की टीम में डॉक्टर मरगूब कुरैसी, स्टाफ नर्स सज प्रभा व प्रदीप उपस्थित रजिस्टर पर हस्ताक्षर होने के बावजूद गैर हाजिर थे। इस पर एक दिन का वेतन रोकते हुए स्पष्टीकरण तलब किया गया है। रेउसा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक डॉक्टर अनूप पांडे ने बताया कि उनके द्वारा रेउसा कस्बे में संचालित खान क्लिनिक का निरीक्षण किया गया, जिसमें बिना लाइसेंस डिग्री व रजिस्ट्रेशन के एक अप्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा मरीजों का उपचार करते हुए पाया गया, लिहाजा अस्पताल को सीज करने की कार्रवाई की गई है। रेउसा के बिस्वा रोड पर स्थित लाइफ लाइन हॉस्पिटल की जाँच कर उन्हें नोटिस दिया गया है कि वह अपने वैधता संबंधी आवश्यक रजिस्ट्रेशन दस्तावेज प्रस्तुत करें। स्वास्थ्य टीम द्वारा जीवनदीप मिशन अस्पताल की भी जांच की गई तो वहां रजिस्ट्रेशन के अनुसार डॉक्टर की मौजूदगी में सब कुछ सही पाया गया।
अखिल भारतीय छत्री महासभा सीतापुर के वरिष्ठ महामंत्री एडवोकेट वरुण सिंह तोमर द्वारा सूरवीर महाराणा प्रताप की 482वीं जयंती शहर के महाराणा प्रताप पार्क में मनाई गई। अध्यक्षता संरक्षक मंडल के वरिष्ठ सदस्य अवनींद विक्रम सिंह ने किया। जिलाध्यक्ष सुनील सिंह गौर ने सूरवीर महाराणा प्रताप व भामा शाह की प्रतिमा पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित कर नमन किया। उन्होंने कहा कि सूरवीर महाराणा प्रताप का बलिदान, त्याग एवं देश प्रेम की भारत देश में बेमिसाल प्रतिमूर्ति है। इस मौके पर महिला वीरांगना सभा की जिला अध्यक्ष इंदु सिंह चौहान, रामचंद्र सिंह सोमवंशी, ब्रजराज सिंह तोमर, रामलखन सिंह तोमर, देवेंद्र सिंह भदौरिया, अनिल सिंह, संजय सिंह, भंवर सिंह, अमन विक्रम सिंह, जयपाल सिंह, भानु प्रताप सिंह, बीपी सिंह, डीपी सिंह, संतोष सिंह चौहान, धीरज सिंह चौहान, रविराज सिंह आदि मौजूद थे। सीतापुर महिला शिक्षक संघ की जिला अध्यक्ष भावना पाल, उपाध्यक्ष सबनम अंसारी, सीबा नाच व सुनीता गुप्ता तथा मीडिया प्रभारी राधा प्रजापत ने ब्लॉक बिस्वा के कोटरा गांव में शैक्षिक नुक्कड़ नाटक का स्कूल चलो अभियान के तहत आयोजन किया। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश की मनसा के तहत जनमानस को जागरूक कर विद्यालय में नामांकन बढ़ाना था। शहर के मोहल्ला हुसैनगंज निवासी कैलाश कुमार राठौर पिछले कई वर्षों से नियुक्त आदेश दिलाए जाने की मांग को लेकर मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की परिक्रमा करके थक चुके हैं, लेकिन उन्हें नियुक्ति आदेश अभी तक नहीं मिल पाया है। कैलाश ने बताया कि वाहन चालक के पद पर जिला उद्योग केंद्र सीतापुर कार्यालय में उनकी नियुक्ति 22 सितंबर 2008 को हुई थी, लेकिन नियुक्ति आदेश नहीं दिया गया था। इसे लेकर उन्होंने 2 फरवरी 2017 को एक पत्र संसदीय कार्य मंत्री एवं वित्त मंत्री को सौंपा था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब से लेकर कैलाश नियुक्ति आदेश एवं बकाया वेतन की मांग को लेकर भटक रहे हैं। कैलाश का कहना है कि उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। साधन सहकारी समिति बेहटा में इफ्को की तरफ से किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि क्षेत्रीय प्रबंधक इफ्को शिव शुक्ला ने किसानों को नैनो यूरिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस मौके पर सांसद प्रतिनिधि जय कुमार वर्मा, मंडल अध्यक्ष सलील श्रीवास्तव, एडीओ सहकारिता सिद्धार्थ आर्या, सदस्य जिला पंचायत प्रतिनिधि राजकिशोर कनौजिया, कृषि रक्षा इकाई बेहटा इंचार्ज महेंद्र सिंह, प्रधान शुभम भटनागर, दिनेश शुक्ला, सचिव राम नारायण मिश्रा, अमर सिंह, संतोष मिश्रा, ब्रजमोहन निषाद, संतोष शुक्ला, संतोष वर्मा, अजीत द्विवेदी, अनिल वर्मा, धीरज वर्मा आदि मौजूद थे। महाराणा प्रताप की जयंती पर संयुक्त किसान मोर्चा सीतापुर की ओर से काशीराम कॉलोनी के सामने पार्क में उनकी मूर्ति पर पुष्प वर्षा व माल्यार्पण किया गया। इस दौरान पदाधिकारियों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। किसान मंच महिला प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष अल्पना सिंह ने कहा कि विषम परिस्थितियों में भी कभी सर न झुकाने वाले महाराणा प्रताप हम सभी के आदर्श हैं। संयुक्त किसान मोर्चा संयोजक पिंदर सिंह सिद्धू ने कहा कि इतिहास गवाह है, महाराणा प्रताप ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के आगे कभी किसी से समझौता नहीं किया। किसान मंच प्रदेश प्रभारी शिव प्रकाश सिंह ने कहा कि खुद के परिवार का बलिदान कर जंगलों में घास की रोटियां खाकर भी युद्ध में दुश्मनों को अपना लोहा मनवाने वाले महाराणा प्रताप जैसा अन्य कोई वीर पुरुष पैदा नहीं हुआ। इस मौके पर सिख संगठन के जिला अध्यक्ष गुरपाल सिंह, महेश प्रसाद, कुलदीप सिंह, रविंद्र, मुनीश्वर सिंह, दिनेश कुमार, गुट्टी सिंह, बिट्टो देवी, शिवम सिंह, आसू सिंह, पप्पू सिंह, छुटक्के यादव, शुभम पांडे, सूफियान अहमद, आकाश मिश्र आदि मौजूद थे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आई इंडिया।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की खंड कार्यकारिणी में राघवेंद्र को सह खंड सेवा प्रमुख बनाया गया है। इस बात की जानकारी सह जिला संघ चालक अवधेश ने दी। उन्होंने बताया खंड कार्यकारिणी में राघवेंद्र के क्षेत्र में सेवा कार्यों को देखते हुए यह दायित्व दिया गया है। सह खंड सेवा प्रमुख बनाए जाने पर खंड कार्यवाह वेद, खंड शारीरिक प्रमुख धीरज, सहखंड संघ चालक सियाराम, सामाजिक कार्यकर्ता सूर्यभान सिंह, दिनकर प्रताप सिंह, शिव सेवा समिति अध्यक्ष वैभव सिंह, मंगल सिंह, पंकज सिंह, सुनीत सिंह, दुर्गेश सिंह, ज्ञानेन्द्र धनगर, रिंकू, हरीश सिंह आदि ने बधाई दी है। सकरन थाना क्षेत्र के कटायापुरवा मजरा उमरा खुर्द में 3 दिन पहले बेसहारा गोवंश के साथ बर्बरता के मामले में सूचना के बाद भी इलाकाई पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही थी। इससे नाराज जिला संयोजक बजरंग दल संदीप अवस्थी, दुर्गेश मिश्र, सीनू मिश्रा, दिव्यांश अवस्थी, अंकित पांडे, मनीष सिंह, सत्यम अवस्थी, संदीप शुक्ला आदि कार्यकर्ताओं में काफी रोष है। सोमवार को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। आगे की कार्रवाई PM रिपोर्ट आने के बाद किए जाने का आश्वासन दिया है। जिला युवक कांग्रेस के अध्यक्ष नरेंद्र वर्मा ने कहा कि केंद्र एवं उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार देश एवं प्रदेश की जनता को झूठे आंकड़े देकर फर्जीवाड़ा कर रही है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना वायरस से 4.8 लाख मौतें हुई हैं, जबकि WHO के मुताबिक कोरोना वायरस से 47 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई है। जारी बयान में कांग्रेस नेता ने सवाल खड़ा किया कि यह झूठे आंकड़े कहां से आए, कौन से अधिकारी इसमें संलिप्त हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सदैव जन सरोकार की मांगों को लेकर सरकार को जगाने का काम करती रही है। अगर सरकार नौजवानों, गरीबों, किसानों, मजदूरों की आवाज़ को नहीं सुनेगी तो हम कांग्रेस के लोग सदन से सड़क तक की लड़ाई लड़ेंगे एवं सरकार द्वारा किए गए फर्जीवाड़ों को उजागर करेंगे। सीतापुर लखीमपुर मार्ग पर हरगांव थाना इलाके में मुस्कान ढाबा के पास विगत 6 मई को तेज रफ्तार बस ने बैलगाड़ी में टक्कर मार दी। हादसे में बैलगाड़ी सवार रायपुर निवासी श्रीपाल गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि एक बैल की मौत हो गई। जख्मी श्रीपाल का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। पीड़ित के बेटे सुरेश के मुताबिक तहरीर देने के बाद भी हरगांव पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई करना तो दूर मुकदमा तक दर्ज नहीं किया है। लिहाजा सुरेश ने सोमवार को जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर मामले में कार्रवाई की मांग की है। मुख्य विकास अधिकारी सीतापुर अक्षत वर्मा ने सोमवार को ब्लॉक कसमंडा की ग्राम पंचायत पतारा कला का निरीक्षण किया। दरअसल 10 मई को 2 दिवसीय सीतापुर दौरे पर आ रहे वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना का पतारा कला में निरीक्षण संभावित है। इसी को लेकर पतारा कला में व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही हैं। CDO ने निरीक्षण के दौरान पंचायत भवन, प्राथमिक विद्यालय, सामुदायिक शौचालय व गांव में भ्रमण कर साफ सफाई का जायजा लिया। इस दौरान CDO संतुष्ट नजर आए और प्रधान नफीस की पीठ थपथपाई। खैराबाद के कमाल सराय संगत के प्रबंधक महंत बजरंग मुनि द्वारा जिलाधिकारी सीतापुर से की गई शिकायत का संज्ञान लेने के उपरांत जिलाधिकारी द्वारा गठित जांच टीम में सोमवार को प्रथम दिन कोई आला अधिकारी तो उपस्थित नहीं हुआ, परंतु कानून गो राजेश शुक्ला के साथ कई जगहों के लेखपाल व नगर पालिका परिषद के कर्मचारी अवश्य उपस्थित हुए। सभी ने नगर क्षेत्र के मोहल्ला भूलनपुर स्थित टेढ़वा तालाब का निरीक्षण किया। पाया कि तालाब पर कहीं किसी का कोई कब्जा नहीं है। नागरिकों ने बताया कि मत्स्य पालन के ठेके तथा सिंघाड़ा पालन इत्यादि गंदे केमिकल युक्त पानी की वजह से नहीं हो पा रहा है। संजीव कुमार, राकेश कुमार, सूरज कुमार, अंकित कुमार, मिराज मोहम्मद आदि ने बताया कि दरी फैक्ट्रियों से निकलने वाले केमिकल युक्त पानी से हैंडपम्पों का पानी भी दूषित हो गया है। EO हृदयानंद उपाध्याय ने बताया जो शिकायतें हैं जांच कमेटी बिंदुवार उनका निरीक्षण करके शीघ्र अपनी आख्या DM के समक्ष प्रस्तुत करेगी। लहरपुर CSC का सोमवार को SDM PL मौर्य ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान 2 क्षय रोगियों को गोद लिया एवं समुचित पोषण हेतु
पौष्टिक सामग्री वितरित की। निरीक्षण के दौरान अस्पताल प्रांगण में खड़े वाहनों को व्यवस्थित ढंग से खड़े करने के निर्देश दिए। परिसर में साफ सफाई पर असंतोष व्यक्त किया और व्यवस्था में सुधार के निर्देश दिए। केंद्र अधीक्षक डॉक्टर आनंद मित्रा ने बताया कि 56 रोगियों को विश्व क्षय दिवस के अवसर पर गोद लेने का निर्णय लिया गया था, जिसके तहत अब तक 27 क्षय रोगियों को विभिन्न संस्थाओं और लोगों द्वारा गोद लिया जा चुका है। यह था आज का खबरनामा, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे मयूर होटल एंड रिसोर्ट रस्यूरा सीतापुर, स्टडीवेल पब्लिक स्कूल सीतापुर, सह प्रायोजक सहगल साड़ी भंडार, मेन मार्केट गांधीनगर लालबाग सीतापुर।